साथियों, कांग्रेस भारत की सबसे बेईमान और भ्रष्ट पार्टी है। चाहे कोई भी दौर हो, कोई भी राज्य हो, कांग्रेस का चरित्र नहीं बदलता। कांग्रेस चुनाव में बड़े बड़े वादे करती है, लेकिन सरकार बनने पर ये जनता के शोषण के नए नए तरीके खोजते हैं। हिमाचल में तो कांग्रेस सरकार ने हद ही कर दी है। हिमाचल में कांग्रेस सरकार ने एक नया टैक्स लगाया है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। उन्होंने नया टैक्स लगाया है, टॉयलेट टैक्स। एक तरफ मोदी कह रहा है टॉयलेट बनाओ, और ये कह रहे हैं हम टॉयलेट पे टैक्स लगाएंगे। साथियों, कांग्रेस भारत की सबसे बेईमान और भ्रष्ट पार्टी है। चाहे कोई भी दौर हो, कोई भी राज्य हो, कांग्रेस का चरित्र नहीं बदलता। आप पिछले एक हफ्ते का हाल देख लीजिए। कांग्रेस के एक सीएम का जमीन घोटाले में नाम सामने आया है, उनके एक मंत्री महिलाओं को गालियां दे रहे हैं, उन्हें अपमानित कर रहे हैं। हरियाणा में कांग्रेस नेता ड्रग्स के साथ पकड़े गए हैं। कांग्रेस चुनाव में बड़े बड़े वादे करती है, लेकिन सरकार बनने पर ये जनता के शोषण के नए नए तरीके खोजते हैं। आए दिन नए नए टैक्स लगाकर अपने घोटालों के लिए पैसा जुटाना, यही इनका एजेंडा होता है। हिमाचल में तो कांग्रेस सरकार ने हद ही कर दी है। हिमाचल में कांग्रेस सरकार ने एक नया टैक्स लगाया है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और इन्होंने क्या नया टैक्स लगाया है? उन्होंने नया टैक्स लगाया है टॉयलेट टैक्स। एक तरफ मोदी कह रहा है टॉयलेट बनाओ, और ये कह रहे हैं हम टॉयलेट पे टैक्स लगाएंगे। यानी कांग्रेस लूट और फरेब का एक पूरा पैकेज है। वो आपकी जमीन लूटेंगे, वो युवाओं को ड्रग्स के दलदल में धकेलेंगे, वो आप पर टैक्स का बोझ ला देंगे और महिलाओं को गालियां देंगे। लूट, झूठ और कुशासन का ये पूरा पैकेज, ये कांग्रेस की पहचान है। और याद रखिए, मैंने तो अभी सिर्फ पिछले कुछ दिनों की तस्वीर आपके सामने रखी है, और वो भी पूरी पूरी नहीं, क्योंकि समय का अभाव रहता है। कांग्रेस वर्षों से यही करते आई है।